गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कृतिका का पाठ एक इस जल प्रलय में के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद में पाठ को पढ़ाऊंगी। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु की एक उत्कृष्ट रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु की खास विशेषता यह है कि वे एक आंचलिक कथाकार है। आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? जो एक क्षेत्र विशेष, क्षेत्र के खास लोगों के एक एक आदत, हरकत, विचार सबसे वो परिचित रहता, उनकी भाषा, खान पान, रहन सहन, वो लोग कब किस तरह से रिएक्ट करेंगे, मतलब उस क्षेत्र के रग रग में बसा हुआ, जो क्षेत्र की क्षेत्र का जो गुण है किसी लेखक या कलाकार के रग रग में जब बसा हुआ होता है उसे आंचलिक कथाकार। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म पूर्णिया जिले में हुआ था। अब पूर्णिया को ही उन्होंने अपना पूर्णिया क्षेत्र के ही लोगों का उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है और उनका पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई नेपाल में हुए थे। उन्होंने सशक्त क्रांति में भी भाग लिया था। नेपाल में जो क्रांति हुई थी उसमें भी भाग लिया था। कई बार वो जेल भी गए। देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और उसमें भी बहुत बार बड़ा उनका योगदान रहा। तो फणीश्वरनाथ रेणु की सबसे बड़ी विशेषता यह है बच्चों कि वो जो कहना चाहते हैं वो पात्रों के मुँह से जो उसकी भाषा में कहलवाते हैं। पात्र अगर बंगला बोल रहा है तो बंगला में ही वो बुलवाते हैं। पात्र अगर भोजपुरी बोल रहा है तो कैरेक्टर को भोजपुरी में ही उसी उनके मुँह वो जिस तरह से बोल रहा है उसमें कोई बनावट नहीं लाते हैं और उसको उसी के शब्दों में लिखते हैं। ये बहुत बड़े पत्रकार थे और बहुत सारे पत्रिकाओं में इन्होंने स्तंभ भी लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं। जिस जगह में रहते तो वहाँ कोई नदी नहीं थी, उस क्षेत्र में कभी बारिश कभी बाढ़, नदी न होने के कारण कभी बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन बाढ़ के बारे में ये बहुत अच्छे से लिख सकते थे। कारण क्योंकि बचपन में ही इन्होंने स्काउट ज्वाइन कर लिया था। बालचर जिसे हिंदी में कहते हैं बालचर, स्काउट ज्वाइन कर लिया था और अपने गुरु के साथ हमेशा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करते थे, वहाँ राहत सामग्री पहुँचाया करते थे। इसके कारण उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान था। बाढ़ के बाद जो स्थिति होती है वो कैसी हो जाती है, कितनी भयानक होती है, बाढ़ की विनाश लीला कि एक बार में कितने हज़ारों लोगों मवेशियों को ली जाती है, कितना कठिन होता है लोगों का जीवन, इनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित। तो बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में ये आगे मैं फिर और विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी और आप इसके जीवन चरित्र को आप पढ़िए। ये आपका होमवर्क है, लर्न फणीश्वरनाथ रेणु जीवन परिचय। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।